प्राइम पे एक न्यू मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है मजमा, जो कि माधुरी दीक्षित बेस्ड एक मूवी है। तो मूवी के बारे में हम लोग करेंगे सीधी बात, नो बकवास फिर अभी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई मजमा, जिसको एक हिंदी मूवी है लेकिन तुम्हें टाइटल देख के ऐसा लग रहा होगा कि एक गुजराती है, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है मजमा, यानी कि गुजराती में कोई भी बोलता है केम छो मीन्स हाउ आर यू, तो बोलते हैं एकदम मजमा। तो उसी टॉपिक को इन्होंने कंसेप्ट किया है, लेकिन इसमें मजमा का मतलब है माँ, यानी कि मेरी माँ। और भाई इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हटके भी मान सकते हो, लेकिन मान सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी कई सारी मूवी बन चुकी है, लेकिन उसमें ज़्यादातर यूथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसमें जो माँ है वो एक लेस्बियन है। हाँ, इसमें माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर जो है वो इस तरह से है, लेकिन भाई इसको पिक्चर को कुछ उस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि तुम्हें देख के पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे समाज में कितना प्रेशराइज है अपना पार्टनर चूज करने में। और इसमें मेन थिंग मुझे ये देखने को लगती है, जहाँ पर भाई साहब आज की डेट में तुम लाई डिटेक्टर टेस्ट अगर तुमको करवाना है तो तुमको कोर्ट की परमिशन ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। और इस मूवी में माधुरी दीक्षित को अपने बेटे की शादी तय करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसमें कि लड़की वालों की फैमिली वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर भाई इन सब चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यू आर लेस्बियन ऑफ यू आर गे एंड यू आर स्ट्रेट। और माधुरी दीक्षित का यहाँ पर टेस्ट होता है एक बार नहीं दो दो बार कि तुम स्ट्रेट हो या लेस्बियन हो। मैं सोच रहा हूँ कि यार मूवी में दो दो बार लाई डिटेक्टर टेस्ट दिखाया, जहाँ पर लाइफ में अगर तुम इक्वालिटी में रियलिटी में बात करो तो एक बार भी कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस सब चीज़ को हम साइड रखते हैं, तो मूवी एक एवरेज मूवी है, थोड़ा सा लो पेस पे मूवी चलती है, 2 घंटे के आसपास की ये मूवी है। लेकिन मूवी में कहना चाहूँगा, इस मूवी को तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हाँ, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ देखोगे तो ऑकवर्ड टाइप वाली फीलिंग होगी, लेकिन मैं बता दूँ ये मूवी वैसे हर कोई भी नहीं देख सकता। एवरेजली ये मूवी 16+ लोगों को टारगेट करके बनाई है, तो अगर आप 16+ है तो इस मूवी को जरूर देख सकते हो। हाँ, मूवी में थोड़ा थोड़ा सा कहीं पर ह्यूमर और कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है, जो कि कहीं कहीं पर वर्क करती है और कहीं कहीं पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।